हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा क्लास 10th का रियल नंबर्स का अगला लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक को कंप्लीट किए थे। HCF और LCM का कंप्लीट डिस्कशन हमने कंप्लीट किया था टोटली। तो उसके साथ ही कंटिन्यू करते हुए मैं आज के लेक्चर में HCF और LCM से रिलेटेड कुछ और डिस्कशंस पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो उनको आप ज़रा थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। HCF एंड LCM का जो डिटेल स्टडी है उसके आगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। वो ऐड करने के बाद देन अपन जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का उसको कवर करने जा रहे, दैट इज प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखो, HCF को मैं ऑलरेडी आपको सिखा दिया था कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू आप कैसे निकालोगे HCF ऑफ 2 और 3 और उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने क्या सीखे थे, उसके बाद अपन ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक सीखे थे और उससे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने ये भी सीख लिए थे कि कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अभी ये वाले टॉपिक। ठीक है, तो इसमें अपन वैसे के लिए क्या देखने वाले हैं, इसमें अपन देखने वाले हैं और थोड़ा HCF और LCM के बारे में थोड़ा सा डिटेल इंट्रोडक्शन। एक नोट लिखा गया है, देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे मैं समझाता जाऊँगा आप प्रॉपरली अकॉर्डिंगली नोट्स बनाते जाना। कैसे नोट्स बनाना है आपको समझ के होंगे कि आपने ये समझाना है, फिर मैं साथों साथ जिसके अंडर में जो एक्सप्लेन करूँगा उसको उसी के साथ लिखना है आपको प्रॉपरली। तो अगर मैं बोलूँ कि HCF ऑफ P कॉमा Q कॉमा R, 3 नंबर का HCF और 3 नंबर का LCM का प्रोडक्ट P इंटू Q इंटू R के प्रोडक्ट के इक्वल कभी नहीं होगा। ये 2 नंबर तक ही सीमित था, ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता करके दिया था। तो मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था कि अगर 3 नंबर का या फिर उससे ज़्यादा नंबर का अगर HCF या LCM अगर आपको पूछ देता है क्वेश्चन में तो आप कैसे करोगे। तो बड़ा सिंपल तरीके से आपको सोचना है कि अगर 2 से ज़्यादा नंबर का HCF या LCM के बारे में हमें पूछा जाता है तो सबसे पहले हम पहले दो दो करके सॉल्व करेंगे, पहले P और Q का निकालेंगे, फिर P और Q का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ थर्ड वाले का निकालेंगे। तो ऐसे करके हम पूरा जितने भी नंबर्स हमारे पास दिया जाएगा उन सब का HCF और LCM निकाल सकते हैं। ऐसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था, ठीक है ना, कि अगर 3 नंबर दिया जाता है तो पहले 2 नंबर का HCF या LCM निकालेंगे जो भी पूछा जाएगा और उसका रिजल्ट के साथ तीसरे वाले का निकालेंगे, वही हो जाएगा तीनों का HCF या LCM। बट आपके बुक में एक और फार्मूला दिया गया है 3 नंबर का HCF या LCM डायरेक्टली निकालने के लिए। तो मैं बता देता हूँ, इसका खास कोई अप्लीकेशन तो है नहीं बट फिर भी जान के रखो। तो ये फार्मूला अगर आप याद रखते हो तो उसके माध्यम से आप 3 नंबर का HCF या LCM डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर इंटू HCF ऑफ, मतलब अगर यहाँ पे LCM निकाल रहे हो तो यहाँ पे सारे के सारे HCF आएगा, अगर यहाँ पे HCF निकाल रहे हो तो यहाँ पे सारे के सारे LCM आएगा। ठीक है, दैट इज HCF पी क्यू आर इंटू HCF ऑफ P कॉमा Q कॉमा R डिवाइडेड बाई HCF ऑफ PQ कॉमा HCF ऑफ QR कॉमा HCF ऑफ RP। सिमिलरली फॉर HCF, HCF का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ LCM। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ये फर्स्ट नोट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ और ये बस एक्स्ट्रा 2 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अगर आप याद रखते हो तो भी काम चलेगा, अगर नहीं रखते हो तो भी आप 3 नंबर का तो निकाल ही दोगे। उसके अलावा जो नंबर 2 पॉइंट आता है उसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बेसिकली फ्रैक्शंस का LCM कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको बोलूं इंटीजर्स का फ्रैक्शन HCF या LCM तो आप डायरेक्टली कैसे करते हो आप जानते हो ऑलरेडी। इंटीजर्स के अलावा पॉजिटिव रियल नंबर्स में, पॉजिटिव रियल नंबर बोलो या स्पेसिफिकली अगर रैशनल नंबर्स बोलो तो अच्छा रहेगा क्योंकि इरैशनल नंबर का LCM या HCF के बारे में मैं बातचीत आपके साथ यहाँ पर नहीं करूँगा। अगर आपको जानना है तो बिल्कुल आप ओलंपियड्स का या फिर क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एज इरैशनल नंबर्स का और रैशनल नंबर्स का HCF या LCM निकालना
बेसिकली एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का HCF और LCM पॉसिबल होगा या नहीं, अगर पॉसिबल है तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। या फिर दो इरेशनल नंबर अगर दिया जाता है ना, मतलब इरेशनल नंबर जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा उस केस में HCF या LCM कैसे निकालते हैं, वो चीज़ अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं और ये NCERT सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए वो हम IIT का फाउंडेशन कोर्स या फिर ओलंपियड वाले कोर्स या फिर क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखोगे तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियरली मिलेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बोला जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसी तरीके से आप एग्जैक्टली चीज़ों को निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब इरेशनलिटी का बात नहीं कर रहे अभी हम, जो भी बात कर रहे इस चैप्टर में खास करके रैशनल नंबर्स तक सीमित रख रहे टॉपिक को, ठीक है ना। इतना देर तक हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF LCM के बारे में सीखा सारी चीज़, अभी हम पॉजिटिव रैशनल नंबर में जो रिमेनिंग पोर्शन है फ्रैक्शन, उसका HCF LCM निकालना सीखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, तो LCM ऑफ फ्रैक्शन जैसे मैं बोलूँगा तो आप फॉर्मूला याद रखो कि आप डायरेक्टली जितने भी न्यूमरेटर्स है उन सब के LCM न्यूमरेटर में लिख दो और जो डिनोमिनेटर्स है उन सब के HCF आप डिनोमिनेटर में लिख दो, तो आपके पास LCM ऑफ फ्रैक्शंस आ जाएंगे, ठीक। सिमिलरली अगर मैं HCF ऑफ फ्रैक्शन की बात करूँ तो HCF अगर निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में HCF ऑफ न्यूमरेटर्स आएगा और डिनोमिनेटर में LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स चला जाएगा। तो बड़ा आसान है बेसिकली ये कंसेप्ट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। NCERT सिलेबस में इंक्लूडेड तो है देखो, बट बुक में नहीं दिया है, फिर भी एग्ज़ाम में आएगा या नहीं मैं नहीं बता सकता, बट कंपिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। क्लियर है बोला। तो चलो आगे देखते हैं अपन, एक आध एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि अगर मैं LCM ऑफ फ्रैक्शन या फिर LCM HCF ऑफ फ्रैक्शन का बात करूं तो वो अपन कैसे निकालेंगे। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं आपको, मान लो LCM ऑफ आप दो नंबर निकालो, है ना, LCM ऑफ दो नंबर निकालो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना, पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, मिस हो गया ये चीज़ कि फ्रैक्शन जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। फ्रैक्शंस मस्ट बी एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म का चक्कर आप समझ ही रहे होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, कि ऐसा फॉर्म अगर मैं a बाई बी कोई भी एक फ्रैक्शन बोलता हूं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या कि और ऊपर नीचे आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ऐसे ही तो हम देसी भाषा में ऐसे ही अपन समझते हैं कि और ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते, और कैंसिल ना करने का मतलब क्या है, कैंसिल ना करने का मीनिंग है कि उन दोनों में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो हम कैंसिल कर देंगे, है ना, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तभी अपन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो ही हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तभी होता है एक फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर बचता नहीं है, मतलब उन दोनों का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, उन दोनों का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है। और ऐसे जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है तो ऐसे कॉमन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो a बाई बी अगर एक फ्रैक्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, तो अगर वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी तो कन्फर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। आप सोच के देख लो, अगर मैं 2/4 बोलो तो 2/4 में 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है ना, 2 है। क्यों, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। जिस वक्त आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही मिलेगा। देखो 1 और 2 का HCF 1 ही होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या, मैक्सिमम फैक्टर कौन सा होगा जिससे आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो, वो तो ऑब्वियसली 1 ही होगा ना, क्योंकि 2 से तो 2 को डिवाइड कर दोगे, 1 को नहीं कर पाओगे, बट 1 से दोनों को कर पाओगे। ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर है बोला। तो यहाँ पे एक चीज मिस हो गया था, वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि फ्रैक्शंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन जो है वो एक्सप्रेस किया हुआ होना चाहिए। तो अगर मैं एक LCM ऑफ दो फ्रैक्शन बोलता हूँ, एक है 2/3 और दूसरा मैं ले लेता हूँ मान लो 5/7 या मान लो 5/9 ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप निकालोगे तभी जब दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर LCM निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का LCM न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF डिनोमिनेटर में आएगा।
तो न्यूमरेटर इन 2 और 5 का एलसीएम हो जाता है 10 और 3 और 9 का एचसीएफ हो जाता है 3, तो आंसर विल बी 10/3। ऐसे मत कर देना कि अगर कभी भी बोला जाता है एलसीएम ऑफ 2/3 और 10/18 निकालो आप, तो 2 और 10 का एलसीएम लिख दिए ऊपर 10 और 3 और 8 का एचसीएफ लिख दिया, भले ही यहाँ पे आंसर सेम आ गया बट ये गलत है, दूसरे किसी जगह पे शायद गड़बड़ हो जाए। तो ये चीज सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमेशा कीजिएगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो इसी तरीके से इसका एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, तो ये जब पॉइंट आप लिखेंगे साथ में इसका एक आध दो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। सिमिलरली इसका एचसीएफ भी आप निकाल सकते हो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर आ जाएगा और नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 और 5 का एचसीएफ 1 हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 ही है, और 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 9, ठीक है? तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1/9, ठीक है? तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली चीजों को सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2 का डिस्कशन। उसके आगे जो आपका पॉइंट नंबर 3 आता है उसमें क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से अगर देखेंगे तो चीजों को आप समझ पाएंगे। उसमें बोला जा रहा है कि एचसीएफ विल बी लेसर देन और इक्वल टू द लीस्ट ऑफ द नंबर्स, लीस्ट ऑफ द नंबर्स मतलब एचसीएफ जो होगा, आप जिन दो नंबर का एचसीएफ निकालोगे उन दोनों से जो लीस्ट, उन दोनों में जो लीस्ट वैल्यू है उससे हमेशा एचसीएफ छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। अगर मैं ए और बी का एचसीएफ निकालने जा रहा हूं, ठीक है, मान लो जहां पे ऐसा दिया गया है कि ए बी से छोटा है, ठीक है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ना, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा ए से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा, और उन्हीं दोनों का जो एलसीएम होगा ना, उन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो उन दोनों में जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट कौन है, बी है, बी ए से बड़ा है, उस ग्रेटेस्ट से भी बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। मैं एक एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए एचसीएफ ऑफ, मैं आपको क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए एचसीएफ ऑफ 4 और 9, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 4 और 9 या फिर मान लो 4 और 12 ही मान लो, ठीक है ना, 4 और 12 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इन दोनों में जो लीस्ट है वो कौन है, 4 है, तो एग्जैक्टली ये 4 के इक्वल हो रहा है, ये किसके इक्वल हो रहा है, ये लीस्ट ऑफ 4 एंड 12 के इक्वल हो रहा है। और बाकी अगर कोई केस आप लेते हो, जैसे मान लो 4 और 10 अगर मैंने ले लिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा, तो ये 2 क्या है, लीस्ट ऑफ 4 एंड 12 से छोटा है ना, लीस्ट ऑफ 4 एंड 12 से छोटा है क्योंकि 4 और 12 का लीस्ट कौन है, 4 है, तो 4 से 2 छोटा है ना। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? तो इसीलिए इन दोनों से क्लियरली पता चलता है कि ये चीज वैलिड होगा, किसी केस में लेस होगा और किसी केस में इक्वल टू भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालता तो इन दोनों का एलसीएम क्या आता, 12 आता, तो उस वक्त इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट है वो कौन है, 12, तो 12 के इक्वल हो जाता, मतलब एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कभी भी बी के इक्वल हो सकता, वेयर बी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ए और बी, ए और दोनों बी में से जो सबसे ज्यादा है उसी का बात चल रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं मान लो इन दोनों का एलसीएम निकालता तो इन दोनों का एलसीएम आ जाता 2, 2 और 5, तो 20 आ जाता, ठीक है, तो वो क्या है, वो तो इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट है उससे भी बड़ा है ना, दैट इज इन दोनों का ग्रेटेस्ट 10 है उससे भी ज्यादा है, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी उस केस में ग्रेटर देन बी हो गया, वेयर बी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इस लॉजिक से क्लियर है, बात समझ आ रहा है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया जो इसके साथ आपको लिख करके रखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँगा कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे, ये तीनों पॉइंट जो एचसीएफ और एलसीएम का ही एक्सटेंडेड वर्शन है, तो इन तीनों को बेसिकली बचपन में आप पढ़ते भी हो, अभी आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो मेरे को नहीं पता, बट हमारे तो इंस्टीट्यूट में ज़रूर पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, 6th और 7th में ही सर लोग पढ़ा देते, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप बिल्कुल अभी आप सीख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना नोट बना के रख सकते हो, क्लियर। तो उसके आगे अगर मैं चलूं तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो आज का लेक्चर का मेन आर्टिकल है, दैट इज इरेशनल नंबर्स को हम कैसे प्रूफ कर रहे होंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम बेसिकली कैसे प्रूफ कर रहे होंगे उस चीज के बारे में हमें जानकारी लेना है, ठीक है। अभी इरेशनल नंबर्स होता क्या है, इरेशनल नंबर्स होता क्या है ये चीज आप जानते होंगे, ऑब्वियसली जानते होंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या है, आप क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे। बहुत अच्छा, लोग मेरे को डायरेक्टली जवाब दे देता है कि सर अगर रैशनल नंबर की बात कर रहे हो तो उसका अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन निकाला तो या तो वो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करेगा, दैट इज कहीं पे खत्म हो जाएगा,
है ना, डॉट 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 चलेगा नहीं, रिपीटेशन चलेगा नहीं या नॉन रिपीटेशन, ये सब चलेगा नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा, लॉन्ग डिवीजन एंड्स हो जाएगा, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो दो प्रकार के चीजें हो सकता है, या तो वो रिपीट करेगा दैट इज रेकरिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं, या तो वो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करेगा दैट इज नॉन रेकरिंग डेसिमल। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर। अगर रिपीट किया तो रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग है तो नॉन रेकरिंग। तो अगर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट हो रहा है, दैट इज रेकरिंग डेसिमल आ रहा है, तो कंफर्म है कि ये चीज क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। ये सब डिटेल में क्यों ऐसे होता है, डिटेल में अपन बातचीत करते हैं क्लास 9 में। अभी मेरे पास और उतना ज्यादा समय नहीं है कि ये इतना बेसिक बातें मैं यहाँ पे करूँ। अगर आपको देखना है तो प्रॉपरली आप 9th का लेक्चर अकॉर्डिंगली चैनल पे जाके देख सकते हो, 9th का प्लेलिस्ट में जाके। अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर आपका डेसिमल एक्सपांशन किसी नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है बट रिपीट नहीं कर रहा है, इस बार नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, कन्फर्म है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पाई का एग्जांपल लेते हो या फिर रूट टू, रूट थ्री, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होता है। बट मैं तभी तुरंत आपको पूछूंगा कि अगर आपके पास डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है तब तो आप डायरेक्टली देख करके बोल दोगे कि सर नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो देखो ये इरेशनल होगा। अगर मैंने आपको डेसिमल एक्सपांशन का फॉर्मेट नहीं दिया तब आप कैसे चेक करोगे, इस चीज को भी तो आपको समझना पड़ेगा ना भाई, कि अगर आपको डेसिमल एक्सपांशन का फॉर्मेट नहीं दिया तब आप कैसे चेक करोगे। हर क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपांशन निकाल के देगा, जरूरी थोड़ी ना है। रूट टू, रूट थ्री, ये सब को देख करके हमें कैसे समझना है कि ये सब इरेशनल नंबर है, वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो मैं सिखा के देता हूँ, उधर ध्यान से देखिएगा आप। अगर आपको स्क्वेयर रूट कभी भी दिख रहा है ना, और स्क्वेयर रूट के अंदर जो चीज लिखा गया है वो परफेक्ट स्क्वेयर है, वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज लिखा गया है वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो कंफर्म है कि इसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो एक इंटीजर होगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर है, इंटीजर नहीं भी हो सकता है तो कोई रैशनल नंबर तो जरूर होगा, ठीक है, रैशनल नंबर तो जरूर होगा। जैसे मान लो अंडर रूट के अंदर मैंने 4 लिख दिया, ये सॉल्व होकर के तो 2 आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। मान लो 4 ना लिख करके मैंने 9/4 लिख दिया, यहां से भी परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व होकर के 3/2 आ जाएगा जो कि एक फ्रैक्शन है, रैशनल तो है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट वगैरह सॉल्व होकर के किसी रैशनल रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तब तो वो रैशनल हो जाएगा, तब तो ऐसे रूट इरेशनल नहीं हो पाएगा। बट ये रूट सॉल्व कब हो पाएगा, जब इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, तब ये कन्फर्म क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि तब तो ये सॉल्व होकर के रैशनल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उस वक्त आप जान के रखो कि ये क्या होगा, कन्फर्म है इरेशनल होगा। जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, सब कुछ क्या है, इरेशनल है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज लिखा गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट आप रूट नाइन जाओ वो कभी इरेशनल नहीं होगा, वो सॉल्व होकर के 3 आ जाएगा, वो रैशनल हो जाएगा, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर रूट ना दे करके आपको क्यूब रूट दे देता हूं, तो क्यूब रूट के अंदर आप सिमिलरली बोलोगे सर क्यूब रूट के अंदर अगर परफेक्ट क्यूब है तब तो ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर क्यूब रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट क्यूब दे देते हो सर आप, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे बारीकों के साथ आप चीजों को समझ रहे होंगे। फोर्थ रूट अगर देता हूं तो अंदर क्या देना पड़ेगा, परफेक्ट टू दी पावर 4 देना पड़ेगा, तभी ये रैशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल हो जाएगा। जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ 64 अगर बात करूं तो ये 4 आ जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट वही जगह पे अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 65 या क्यूब रूट ऑफ 63 ऐसा चीजों का बात करूं तो ये इरेशनल होगा, सारे के सारे इरेशनल होगा। बात समझ आ रहा है ना आपको, क्लियर है। तो इसी तरीके से चलता है, अगर मैं 99th के अंदर 100 टू दी पावर 99 दे देता हूं तब तो ये 100 आ जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे 100 टू दी पावर 99 के अलावा कुछ भी लिख देता हूँ, 100 टू दी पावर 98, उस वक्त भी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कन्फर्म है कि ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर रूट सॉल्व होकर के किसी रैशनल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया देन ये आपका रैशनल होगा, अदरवाइज जितने भी रूट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी रूट्स हैं उनको स्पेशली हम सर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्ड क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। उन सारे सर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, उन सारे सर्ड को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। अगर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो,
अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब रूट के अंदर नॉन परफेक्ट क्यूब, फोर्थ रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट टू द पावर फोर, ऐसे चीजें अगर होता है तो वो कन्फर्म है इरेशनल होगा। सिमिलरली उनका नेगेटिव जो होगा वो भी क्या होगा, इरेशनली होगा, ऑब्वियस चीज है ना। और अगर रूट सॉल्व होकर के वो रैशनल में कन्वर्ट हो गया तब तो वो रैशनल है। तो इस तरीके से आप लॉजिकली भी चीजों को आंसर दे सकते हो। और डेसिमल एक्सपेंशन में अगर दिया गया है तब तो आप देख के पकड़ ही लोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अगर है तो ये कन्फर्म है क्या होगा, इरेशनल होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है ना। और पाई इरेशनल होता है ना। ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो अभी मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको तो ये समझा दिया कि इरेशनल नंबर को जज कैसे करते है ना, इरेशनल नंबर को जज कैसे करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल नहीं दिया क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हो। देखो ऐसा अगर होता है कहानी 5, 7, 6, 3, 2, मतलब रिपीट ही नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद खत्म भी नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिवीजन एंड भी नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड कर रहे हो तो चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चल रहा है और रिपीटेशन भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का चीज़ों को मैं क्या बोलूँगा, इरेशनल बोलूँगा। बट अगर ऐसा रिपीट हो जाता है 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, तब जाकर के मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, रैशनल बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो ये तो हमने समझ गए कि एक नंबर को देख के पहचानना कैसे है कि वो इरेशनल है या रैशनल है। तो वो तो मैं पहचानने का तरीका आपको बोला, बट अभी जो आप ऑलरेडी क्लास 9th में सीख के आए होंगे, बट अभी जो हमारे को जानना है या फिर समझना है या फिर पढ़ना है वो क्या है कि हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये नंबर जो है वो एग्जैक्टली रैशनल या एग्जैक्टली इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हम इरेशनल है जो वो मैथमेटिकल जजमेंट के साथ प्रूफ कैसे करेंगे, उस चीज को समझना है। क्लियर है क्या? तो उसके लिए मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं 9th में पढ़ा देता हूँ ऑलरेडी, अगर आपको नहीं पता तो मैं वापस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ आपको दो रैशनल नंबर को सम करूँगा तो क्या होगा, आप बोलोगे रैशनल होगा, डिफरेंस करूँगा तो भी रैशनल आएगा, प्रोडक्ट करूँगा तो भी रैशनल आएगा, डिवीजन करूँगा तो भी रैशनल आएगा। बस डिवीजन के वक्त एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ कि एक रैशनल और एक इरेशनल का समेशन क्या होगा, आप गारंटेड बोलोगे कि इरेशनल ही होगा, कन्फर्म है इरेशनल होगा। ठीक है, क्योंकि आप सोचो ना कि एक बाल्टी पानी में अगर आप एक बूंद जहर डाल दो तो वो पूरा पूरा जहरीला हो जाएगा। सिमिलरली एक रैशनल के साथ अगर इरेशनल आ जाता है तो पूरा कहानी को वो इरेशनल बना देगा। ठीक है, अगर एक रैशनल से एक इरेशनल सब्ट्रैक्ट करता हूं या फिर इरेशनल से रैशनल अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। और अगर डिवाइड करते हो आर बाई ई या फिर आई बाई आर, दोनों ही केस में ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा। बस ध्यान में एक ही चीज होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। डिवीजन के केस में बस ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं दो इरेशनल नंबर का समेशन का बात करूं या डिवीजन का बात करूं या मल्टीप्लीकेशन का बात करूं या सब्ट्रैक्शन, अगर मैं दो इरेशनल नंबर का आई प्लस आई, आई माइनस आई, आई इंटू आई और आई डिवाइडेड बाई आई, इन चारों केस का अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरे को बोलना पड़ेगा कि मे और मे नॉट बी रैशनल, मे और मे नॉट बी रैशनल। दो इरेशनल क्वांटिटी का समेशन हमेशा इरेशनल होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, जैसे रूट टू एक इरेशनल नंबर है और माइनस रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है, उनको अगर सम करूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, रूट टू है और रूट थ्री है, तो ये दोनों के दोनों इरेशनल है। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर भी इस केस में क्या होगा, कुछ कैंसिल होकर रैशनल में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, कैंसिल वगैरह यहाँ पे तो कैंसिल होकर जीरो आ गया, रैशनल में कन्वर्ट हो गया। क्या ये रैशनल में कन्वर्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर है कुछ सॉल्व होगा, कोई भी चीज रैशनल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये कन्फर्म है इरेशनल होगा। इसीलिए सम ऑफ टू इरेशनल क्वांटिटी इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है, है ना। सिमिलर फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब कुछ सेम है। ठीक है ना, अगर आप रूट फोर प्लस रूट थ्री दे देते हो तो भी ये क्या होगा, इरेशनल होगा। रूट फोर को तो आप रैशनल में कन्वर्ट कर दोगे, ये रैशनल हो जाएगा, बट रैशनल प्लस इरेशनल अगेन क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने 9th का ओवरऑल ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ कर लिया कि रैशनल इरेशनल नंबर्स को हम समझते कैसे हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं और पहचानते कैसे हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है, जो क्लास 10th वाले सिलेबस में है, वो ये है कि इरेशनल नंबर पहचानना तो आपको आता है, बट अब की बार आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर ही है, ये एक इरेशनल नंबर ही है। इस चीज को बोला अपन प्रूफ कैसे करेंगे,
अगर ये प्रूव करना हमें आ गया तब तो बोला काम हो जाएगा, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते चीज़ों को, है ना। सबसे पहले बोला गया है कि आप यहाँ पे, मैंने बहुत सारे चार पांच एग्जांपल लिख रखा है, मैं कुछ करके दूंगा, बाकी आप करोगे अपना आप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक प्रूफ अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे बाकी सारे अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है, कर पाएंगे। अगर कोई डाउट है तो अपन तो है ही बताने के लिए, आप चिंता क्यों करते हो, क्लियर है। तो चलिए इस जगह पे जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे ना, जो मैथमेटिकल जजमेंट अपन लोग यूज़ करेंगे, वो है आपका बेसिकली मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्रूफ करने वाले हैं कि एक इरेशनल नंबर का इरेशनलिटी, कि वो वाकई एक इरेशनल नंबर है, वो लॉजिक जो है वो हम कंट्राडिक्शन से दिखाने वाले हैं। अभी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वो क्या होता है जानते हो ना, पहले ये चीज़ आप नंबर थियरी में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, है ना। तो इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। तो कंट्राडिक्शन क्या है जानते हो क्या, अगर मैं बोल रहा हूं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, आप उसका उल्टा, दैट इज कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट को आप ट्रू मानोगे। आप ये कंसिडर कर लोगे कि हम तो भाई नहीं मानेंगे कि रूट टू इरेशनल है, हम मान लेंगे कि रूट टू जो है वो क्या है, रैशनल है। तो रूट टू को आपने रैशनल कंसिडर कर लिए, जैसे ही रूट टू को आपने रैशनल कंसिडर कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप कुछ कुछ लॉजिक्स यूज करोगे, जो भी अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पशन आपका जो भी लॉजिक आएगा वो आप यूज करोगे, और फाइनली जाकर के आपके पास ये मिलेगा अंत में जाकर के कि आपने जो एग्जाम्पशन लिए कि रूट टू रैशनल है, उस एग्जाम्पशन के ऊपर बेस करके कुछ गलत रिजल्ट निकल जाएगा आपके पास, कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वो, अगर वो कंट्राडिक्शन आ रहा है तो आप क्या समझोगे तब, या फिर क्या सोचोगे तब, या आप सोचोगे कि हमने जो एग्जाम्पशन लिए थे वो एग्जाम्पशन वास्तव में क्या था, गलत था। तो आपका एग्जाम्पशन को आप क्या करोगे, गलत बोल दोगे, और साथों साथ कंट्राडिक्ट करा के आप बोलोगे कि हमने जो माना था वो गलत था, मतलब हमने जो नहीं माना वो सही होगा, ठीक है। मतलब हमने क्या माना था, रूट टू रैशनल, तो रूट टू इज रैशनल, वो गलत होगा। अगर रूट टू रैशनल नहीं होता है तो रूट टू क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। यही चीज हम कमेंट कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, जिसको हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए यूज करने वाले। सिर्फ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स में ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिक्स के फील्ड में प्रूफ्स है जहां पे अपन इस कंसेप्ट को यूज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये वास्ट तरीके से यूज होता है, क्लियर है बोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करा के दे रहा हूँ, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करो। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हम गलत चीज को एज्यूम कर लेंगे, दैट इज हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। रूट टू को हमने एक रैशनल नंबर कंसिडर कर लिया, ठीक है। देयरफोर अगर रूट टू को आपने रैशनल नंबर कंसिडर कर लिए, तो रूट टू को आप कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे बोलो, रूट टू इज इक्वल टू आप ए बाई बी लिख पाओगे, कन्फर्म है रूट टू इज इक्वल टू आप ए बाई बी लिख पाओगे, है ना। क्योंकि अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स को तो ए बाई बी फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो आप रूट टू को बिल्कुल ए बाई बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे। बट एक चीज क्लियर होना चाहिए कि यहां पे जो आपका ए और बी होगा, यहां पे जो आपका ए और बी होगा वो ऑब्वियसली को प्राइम नंबर्स होंगे, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। बात समझ गए होंगे आप, है ना। क्योंकि दुनिया के सारे रैशनल नंबर्स को आप जानते हो आप ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे डिनोमिनेटर नॉन जीरो इंटीजर होता है और न्यूमरेटर जो होता है आपका वो एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को मैंने इंटीजर बोला और डिनोमिनेटर को नॉन जीरो इंटीजर बोला, उन दोनों कंडीशन को हटा के मैंने नया कंडीशन लगा दिया कि ए और बी दोनों के दोनों क्या होगा, को प्राइम इंटीजर्स होगा। को प्राइम इंटीजर्स मैंने क्यों बोला आप समझ गए होंगे, ताकि मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं, मतलब किया हुआ है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, वही मैं दिखाने के लिए ए और बी को प्राइम इंटीजर्स बोला। अभी रूट टू अगर ए बाई बी लिखा गया है तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इंप्लाइज देके
स्क्वेयर कर दो दोनों तरफ, ठीक है। क्यों स्क्वेयर कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, ताकि मैं यहाँ पे रैशनल नंबर का लॉजिक को इन्वॉल्व करा पाऊँ। जरा ध्यान से देखिएगा, लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया हमें, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वेयर मिल गया, ठीक है। बी तो नॉन जीरो है ना, तो बी स्क्वेयर से उधर आप मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां से मैं क्लियरली देखो कमेंट कर पाऊंगा कि 2 जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। क्यों 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग है, मतलब 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर बी स्क्वायर आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर से 2 को अगर डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी ऑलरेडी आप पढ़े हो इस चैप्टर का शुरुआत में, ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप लॉजिक क्या दोगे कि सिंस बी स्क्वेयर इज एन इंटीजर, अगर बी स्क्वेयर इंटीजर नहीं होता तो 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। 2 कंप्लीटली डिवाइड क्यों कर पा रहा है, क्योंकि बी स्क्वेयर एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर के इज इक्वल टू समथिंग के वन इज इक्वल टू के टू इंटू कोई इंटीजर क्यों आ जाता है, तो मैं कंफर्म बोल पाऊंगा कि के टू जो है वो के वन को डिवाइड करेगा। ये डिवाइड्स का सिम्बॉल है, क्लियर है ना, ये डिवाइड्स का सिम्बॉल है अकॉर्डिंगली, क्लियर है बोला। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिंस बी स्क्वायर इज एन इंटीजर, फॉर सम इंटीजर बी, बी एक इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और अगर बी स्क्वायर इंटीजर है तो 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्लियर है। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सोच लो भाई 2 ए को भी डिवाइड करेगा। बोलोगे ये कैसे लिख दिए सर, याद करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक है ना। उधर मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक पढ़ाने के बाद एक थ्योरम पढ़ाया था कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो कन्फर्म है कि वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। दैट इज अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को डिवाइड करेगा, ये चीज मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सिंस 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर एंड ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर इंप्लाई करेगा 2 डिवाइड्स ए को। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से आपको पहला पॉइंट मिल गया, इसको आप रोमन वर्क मार्क करके रख दो। अभी आप क्या करो, अभी आप वापस चीजों को एक्सप्लोर करो। यहां से आप रोमन 1 तो मार्क किए, बट यहां से अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए इज इक्वल टू मैं 2 इंटू के लिख सकता हूं फॉर सम इंटीजर के, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से ये इम्प्लाई होता है, यहाँ से ये इम्प्लाई होता है, ये ऑलरेडी आप डिविजिबिलिटी में पढ़े हो कि अगर 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए इज इक्वल टू 2 के होगा, और अगर ए इज इक्वल टू 2 के होता है जो लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया तो 2 कम्प्लीटली ए को डिवाइड करेगा, जहाँ पे के क्या होगा, एक इंटीजर होगा, के का इंटीजर होना बड़ा नेसेसरी है, फॉर सम इंटीजर के, ठीक है, फॉर सम इंटीजर के। तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या, अगर a इज इक्वल टू 2 के है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, अच्छा मान लो इसको मैं रोमन 2 दे दिया और इसको मैंने रोमन 1 दे दिया, ठीक है। तो अभी ये a इक्वल टू 2 के है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से मैं ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 2 के स्क्वायर होगा। तो अगेन सेम लॉजिक आपको यहाँ पे मिल गया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है ना, सिंस के स्क्वायर इज एन इंटीजर, सेम लॉजिक, इज एन इंटीजर, के स्क्वायर क्या होगा, इंटीजर, फॉर सम इंटीजर कौन, के, फॉर सम इंटीजर के। और यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 2 डिवाइड्स बी, और इसका लॉजिक भी सेम, यहाँ पे जो लिखे हैं अपने एग्जैक्टली वही चीज लिख देना, बस बी आएगा, ए के जगह पे बस बी आएगा, और एग्जैक्टली सेम चीज उठा करके यहाँ पे रख देना। तो यहाँ पे आपको मिल गया रोमन नंबर थ्री मिल गया। तो अभी 2 और 3 से आप क्या कमेंट कर सकते हो, सोचो तो, आपको 2 और 3 से क्या कमेंट मिल गया,
कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। अगर 2a और b दोनों को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली 2a और b का एक कॉमन फैक्टर होगा। 2a को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या, 2a का एक फैक्टर है। 2b को डिवाइड कर रहा है मतलब क्या, 2b का एक फैक्टर है। तो अगर 2a और b दोनों का फैक्टर है तो 2a और b का कॉमन फैक्टर हो गया ना। वी हैव 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अभी यहां पे आपको क्या मिल गया कि 2a और b का कॉमन फैक्टर है, बट स्टार्टिंग में जो आपका एजम्पशन था उस जगह पे आपने क्या लिखे, a और b आर को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज HCF ऑफ a कॉमा b 1 था। मतलब पहला एजम्पशन में आपका क्या था कि a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, बट अंत में आके आपको मिल गया कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है जो 2 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं हुआ क्या? ये ऑब्वियसली एक कंट्राडिक्शन हो गया, जो आपने कंसीडर किए थे वो अंत में आकर के गलत साबित हो गया, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b विच कंट्राडिक्ट्स द assumption, which contradicts the assumption that a and b are co-prime numbers. a और b जो co-prime number है उस चीज को contradict कर रहा है, यह final conclusion। तो अगर यह contradict कर रहा है इस चीज को तो मैं directly बोल सकता हूं therefore our assumption is wrong। और अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है मतलब जो हमने कंसीडर किया वो गलत है और इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। हेंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रूफ। यहां तक अगर लिखोगे तो बोला आपको फुल मार्क मिलने से कोई नहीं रोक सकता, एग्जैक्टली आपको कंप्लीट मार्क मिलेगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर का इरेशनलिटी को प्रूफ कर रहे होंगे। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? सिमिलरली आप एकदम रूट थ्री करोगे, रूट थ्री तो एग्जैक्टली सिमिलर है, आप खुद से ही कर पाओगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दूंगा बट कंप्लीट मैं करके नहीं दूंगा, ये दोनों भी आपका ही होमवर्क रहेगा बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दूंगा। अगर मैं बोलूँ 3 into √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो, ठीक है, तो कोई कोई बच्चा तो डायरेक्ट लॉजिक से बता देगा कि सर रूट टू एक इरेशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल कैसे रैशनल हो सकता है, वो तो इरेशनल ही होगा, ठीक है। बट इतना सा लिखने से तो एक मार्क का आंसर हो जाएगा ये, इसको मल्टीपल मार्क का आंसर कैसे बनाए? आप सेम प्रोसेस यूज करोगे, मान लोगे कि रूट टू इज ए रैशनल नंबर। अभी आप देखो अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो रूट टू को आप ए बाई बी लिख दोगे, जहां पे a और b का HCF 1 है, जैसे लिखा गया है अकॉर्डिंगली लिखोगे। बट अभी कंट्राडिक्शन कैसे आप दिखाओगे? आपका मतलब ही है कि कंट्राडिक्शन दिखाना, और कंट्राडिक्शन दिखाना मतलब क्या कि ऐसा कोई गलत चीज निकाल देना। तो यहां पे मैं क्या गलत चीज निकालूंगा, देखो एक चीज सोचो, अगर मैं इस 3 को नीचे लेकर के आ जाता हूं, अगर मैं इस 3 को नीचे लेकर के आ जाता हूं तो a बाई 3b क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर रैशनल है, डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो रैशनल बाय न्यूमरेटर रैशनल है और डिनोमिनेटर भी रैशनल है, तो डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स क्या होगा? रैशनल ही तो होगा ना भाई, क्लियर है क्या? डिवीजन ऑफ टू रैशनल रैशनल ही होगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, रैशनल होगा। मतलब RHS आपका कंप्लीटली रैशनल है बट LHS आपका क्या है? इरेशनल है। बात समझ में आया ना? तो उस वक्त आपको यह बताना पड़ेगा कि एज RHS रैशनल है, LHS इरेशनल है, तो कंफर्म है कि यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि एक रैशनल क्वांटिटी कभी भी एक इरेशनल क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकता है, ये इंपॉसिबल है। बात समझ आ रहा है? तो यहां से कंट्राडिक्शन मिलेगा, विच इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है, कॉमा देकर के लिख देना, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क होता है तब मैंने जितना अभी बोला उतना लिखना सफिशियंट है, उतना लिखोगे तो फुल मार्क मिल जाएगा। बट अगर इस क्वेश्चन में 4 या 5 मार्क रहता है नंबर 3 वाले पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको प्रूफ करो, देन मैंने जो चीज बोला है सेकंड पार्ट में आप प्रूफ करो। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे आपने एक चीज ऑलरेडी कंसिडर कर ली है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, उसको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो 3 मार्क तक सफिशियंट है, ये चीज आप कंसिडर करके चल सकते हो।
बट अगर 3 मार्क्स से ज़्यादा दे रहा है इस प्रॉब्लम में, 4 या 5 मार्क दे रहा है किसी बोर्ड में, तो कन्फर्म है कि पहले आप, वो लोग चाहते हैं कि पहले आप रूट टू का इरेशनलिटी प्रूव करो एंड देन आप इस चीज का इरेशनलिटी दिखाओ, ठीक है ना। देन आप यहां तक प्रूव करने के बाद फिर लिखोगे अगेन कंसीडरिंग 3√2 इज अ रैशनल नंबर, देयर फोर 3√2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, दैट इज एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू 1। फिर स्क्वेयरिंग ना करके आप 3 को नीचे लेकर के आ जाते हो, तो इंप्लाइज देकर के लिख दोगे √2 इज इक्वल टू ए बाई 3 बी, ठीक है ना। फिर आप नीचे लिखोगे एज √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आप ऊपर प्रूव कर रहे होंगे, कर लिए होंगे, ठीक है। तो एज √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड फॉर सम इंटीजर्स, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, वी हैव ए डिवाइडेड बाई 3 बी इज एन रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर, देयर फोर √2 इज इक्वल टू ए बाई 3 बी इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है। Therefore, our assumption is wrong. Hence, 3√2 is an irrational number. इतना सा लिखना more than sufficient है, ठीक है। और अगर 2 या 3 मार्क आता है तो मैंने जो सिर्फ सेकेंड पार्ट बोला है वही लिखने से काम हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली समझ के आपको आंसर करना है, ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। चलिए अगर मैं फोर्थ वाले के ऊपर चलता हूँ तो फोर्थ वाले पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 5 माइनस √3 है, तो आप सिमिलरली 5 माइनस √3 को पहले कंसिडर कर लोगे ए बाई बी है, ठीक है ना। और अभी आप क्या करोगे कंट्राडिक्शन के लिए, इरेशनल, हमेशा टारगेट रखो इरेशनल नंबर को एक साइड में लेके चला जाऊंगा, तो √3 को इधर भेज दो, ए बाई बी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 5b - a/b इज इक्वल टू √3। ए बाई बी क्या है, रैशनल है, 5 एक रैशनल है, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल रैशनल है। और यहां से भी आप बोल सकते हो फॉर सम इंटीजर्स पॉजिटिव, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, वी हैव 5b - a/b इज अ रैशनल नंबर एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 5b - a/b इज इक्वल टू √3 इज अ कंट्राडिक्शन, बात समझ आ रहा है ना। इस तरीके से आप लिख के काम खत्म कर दोगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली पूरा क्लियरली आपको यहां पे दिख रहा होगा कहानी। तो ये हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है, यहां तक मैंने आपको करा दिया। उसके बाद आपके पास आता है अगला क्वेश्चन, दैट इज √2 + √5, ठीक है ना। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं तो आप देखोगे कि √2 + √5 में क्या है कहानी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको वापस करा देता हूं, √2 + √5, ठीक है ना। √2 + √5 अपन वापस आपको करा देते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। √2 + √5 देखिएगा, यहां पे देखो √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 भी एक इरेशनल नंबर है। अभी इन दोनों का समेशन कुछ कैंसिल आउट होके √2 और -√2 की तरह 0 तो नहीं आ रहा है ना। अगर 0 वगैरह कुछ आ नहीं रहा है तो कंफर्म है कि ये क्या होगा, रैशनल में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये इरेशनल है। जज तो आपने कर लिया बट प्रूफ कैसे करोगे, सेम लॉजिक आप यूज करोगे, कुछ भी नहीं है, सेम चीज है। अगर आप चाहते हो आप पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हो, लेट √2 + √5 इज अ रैशनल नंबर, वही चीज है रैशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर आप क्या करोगे, √2 + √5 को लिख पाओगे एज ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। अभी देखो पहले वाले √2 √3 में आपने स्क्वेयरिंग किए थे, फिर आपने साइड चेंज करके कुछ कुछ कर लिए थे। आपका जॉब वही है कि कंट्राडिक्शन लेकर के आना। √2 और √3 का इरेशनलिटी थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाता है, उसके बाद जो भी है वो उसी को यूज करके हो जाता है ना। √2 √3 √5 का इरेशनलिटी को यूज करते हुए हो जाता है आराम से। √2 √5 √7 ये सब का इरेशनलिटी ठीक है, अच्छा है, बट उसके बाद जो भी मिक्सचर आता है ना वो उन सबको यूज करके आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हम लोग क्या कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ज्यादा मार्क देता है तो भी मैं जितना लिखूंगा अभी उतना करने से ही सफिशियंट है, क्योंकि पहले आप √2 का इरेशनल प्रूफ करोगे, √5 को इरेशनल प्रूफ, उसका कोई जरूरत नहीं, अननेसेसरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग का लॉजिक ही यूज करूंगा। क्यों कर रहा हूं आप समझो, थोड़ी देर बाद आप समझ जाओगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स,
वी हैव, क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आएगा, फिर रूट टू स्क्वायर 2, रूट 5 स्क्वायर 5, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बाई बी। तो ये क्या हो गया, 7 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 5, रूट ए इंटू रूट बी को हमने रूट ए बी लिख दिया। हमेशा नहीं लिख पाएंगे, जब ए और बी नेगेटिव होगा तब ये गलत है, बट अगर एटलीस्ट वन ऑफ देम पॉजिटिव है तो ये चीज़ आप लिख पाओगे, तो इज इक्वल टू ए बाई बी है। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो यहां से अगर मैं लिखूंगा रूट टू इंटू रूट 10 वो हो जाएगा ए बाई ए माइनस बी बाई 7। अभी आप कहानी समझ गए, अभी जो ये वाला लाइन बना ना एक बार स्क्वेयरिंग करने के बाद ही ये वाला लाइन बन गया, और ये वाला लाइन तो आपका 4 वाले क्वेश्चन की तरह है। अभी आप कहानी समझ गए, इरेशनल को एक साइड में रख के बाकी सबको रैशनल बता दोगे, क्लियर है क्या? तो अभी आप कहानी पूरा पूरा समझ गए, तो रूट 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए माइनस 7 बी डिवाइडेड बाई 2 बी। अभी आप क्या बोलोगे, एज रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर एंड फॉर सम इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी ए माइनस 7 बी बाई 2 बी इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट 10 इज इक्वल टू ए माइनस 7 बी डिवाइडेड बाई 2 बी इज ए कंट्राडिक्शन, इज ए कंट्राडिक्शन, ठीक है? देयरफॉर आवर एग्जाम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर कंट्राडिक्शन आपने दिखा दी, आपका काम हो गया, तो बोल दो आवर एग्जाम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमें जो इसको रैशनल माना था वो गलत है, हेंस ये क्या होगा, रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपका पूरा पूरा कहानी क्लियर हो गया होगा, बात समझ आ रहा है ना, क्लियर? मैं इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको करा दिया एक साथ, तो ये क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 5 इरेशनल नंबर है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं यहाँ पे इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि आपका एनसीईआरटी सिलेबस तक इतना ही रेस्ट्रिक्टेड है, बट आपका अगर इस चैप्टर का हमारा स्टडी मटेरियल देखोगे तो इसमें इसी टॉपिक के ऊपर और भी कुछ सॉलिड लेवल के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं प्रूविंग के ऊपर, है ना, और भी 4 से 5 अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए और अपना लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो अगर आप करना चाहते हो बिल्कुल आप उस चीज़ को कर सकते हो, बट जो मेरे को यूट्यूब में देख रहे हो उनके पास शायद वो अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि आप ना मेरे से ऑफलाइन में मिलते हो, ना ही जूम सेशन में मीट करते हो, ना ही आपके पास मेरा स्टडी मटेरियल होगा। तो इसके ऊपर मेरा स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छा अच्छे लेवल का 4-5 सॉलिड प्रॉब्लम है जिसके थ्रू ये जो इरेशनलिटी का कंसेप्ट, कंट्राडिक्शन कैसे दिखाए हम लोग, वो चीज़ सोच कैसे आए, कब स्क्वेयरिंग करें, कब साइड चेंज करें, ठीक है ना, वो चीज़ और कंफर्म करने के लिए, है ना, और कुछ क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे तो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, हाँ, बट जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा तो इस लेक्चर के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, दैट इज़ जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं है, बट हमारे मटेरियल में तो बहुत प्रकार का बहुत लेवल का क्वेश्चन है, बट उन पूरा मटेरियल से मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ज़रूर मैं लास्ट लेक्चर में कराऊंगा, मतलब ये तो लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर में लेकर के आऊँगा, उस लेक्चर में मैं शीट के जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम या फिर ओलंपियड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ मैं करा करके दे दूंगा, ठीक है? अभी पूरा मटेरियल तो सॉल्व कराना पॉसिबल है नहीं मेरे लिए यूट्यूब में, तो जितना मेरे लिए हो सकता है आखिरी लेक्चर में मैं एक और लेक्चर रखूंगा, हर चैप्टर में एक और लेक्चर, एक एक लेक्चर रहेगा जहां पे मैं कुछ अच्छे टफ क्वेश्चंस लूंगा अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है? तो उसमें मैं अपन आराम से चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसमें मैं इस टॉपिक से भी, सारे टॉपिक से क्वेश्चन लूंगा, तो इस टॉपिक से भी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा ज़रूर, जो 5-6 अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में शीट में, उनमें से मैं एटलीस्ट 2 या 3 प्रॉब्लम लेकर के मैं करा के देने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा, कोशिश क्या करना है भाई, करा के ही दूंगा, उसका चिंता आप मत करो, क्लियर है? और अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद अगर आपको और सॉलिड प्रैक्टिस चाहिए और अपना लेवल को ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो उस वक्त अगर आपको शीट वगैरह करना है तो ज़रूर आप बिल्कुल अकॉर्डिंगली कंटेक्ट कर सकते हो, आपको मैं वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर? तो चलिए, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स वाला टॉपिक हमारा पूरा पूरा ख़त्म हुआ, है ना? आप रिमेनिंग जो भी आपका होमवर्क दिया गया है 2, 3, 4 तो मैंने बता ही दिया है देखो, और 2, 3, 4 जो भी होमवर्क दिया गया है आप कर लीजिएगा, आपका कॉपी में अकॉर्डिंगली चेक करूँगा, तो उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो अकॉर्डिंगली आप पूछ सकते हो, और
जो भी डिस्कशन है अपन जूम में या फिर ऑफलाइन में अकॉर्डिंगली करते रहेंगे। क्लियर है बोला? तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है और बेसिकली क्लास टेंथ रियल नंबर्स का जो आखिरी टॉपिक है उस चीज़ को हम देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऊपर और थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कैसे हम सोचेंगे एग्जैक्टली। तो वो चीज़ कवर करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम कवर कर लेते हैं। उसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ रैशनल नंबर, मतलब किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन अगर मैं निकालूंगा तो उसका नेचर आपको बताना है कि वो रैशनल रैशनल तो है ही, वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो चीज़ आपको बताना है। क्योंकि अगर रैशनल है, मैं रैशनल नंबर्स के साथ ही डील कर रहा हूँ अभी, अगर रैशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर है क्या? और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में दिया हुआ है तो वो पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। तो अभी जो भी हम डील करने वाले हैं वो रैशनल नंबर होगा जो पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पे पी इंटीजर होगा, क्यू नॉन जीरो इंटीजर होगा, और उसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेट करेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है क्या? चलो, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आते हैं, उन चीज़ को हम समझते हैं। इनका प्रूफ्स हम नहीं कर रहे बेसिकली, प्रूफ्स का कोई खास ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं बेसिकली प्रूफ्स। अगर आपको करना है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप अलग अलग केस में एम एक बार एन से छोटा, एक बार इक्वल, या फिर एक बार एम एन से बड़ा करके आप मान सकते हो, बट एज यूजुअल प्रूफ का कोई ज़रूरत है नहीं। अगर करना है तो आप सिंपल जो लॉजिक समझा होगा उसी के ऊपर बेस करके बहुत आसानी से कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सर्च करके कर सकते हो, बट वो कुछ है ही नहीं। जो लॉजिक आपको समझाया जाएगा वही है उसका प्रूफ, वही है। जो लॉजिक आपको समझाया जाएगा उसी को आप जनरल किसी आर्बिट्रेरी वेरिएबल के मदद से लिख दो, वही है उसका जनरल प्रूफ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रूफ बोल के कुछ है ही नहीं, जो एक्सप्लेन आपको किया जाएगा वही उसका प्रूफ है, आप मान सकते हो। क्लियर है बोला? अदरवाइज अगर फिर भी करना है या फिर आपको चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो थ्योरम नंबर वन देखो क्या लिखा जा रहा है। थ्योरम नंबर वन में ये बताया जा रहा है कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, मतलब एक्स आपके पास एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। मतलब अभी हम इस थ्योरम में उन रैशनल नंबर्स को डील करने वाले जो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है ना। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करता है तो उसको मैं कंफर्म पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊंगा, जहां पे क्यू जो होगा डिनोमिनेटर वो कंफर्म उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के फॉर्मेट में आएगा। क्लियर है? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंफर्म 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। वेयर p और q क्या है? को प्राइम नंबर्स, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। एंड q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n फॉर m एंड n आर नॉन, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो बड़ा ध्यान से आप चीजों को समझिएगा, हाँ, कि अगर मैं बोल रहा हूं x एक रैशनल नंबर है, थ्योरम को ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूं कि x एक रैशनल नंबर है जिस रैशनल नंबर में जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है, जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट कर रहा है, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या कर रहा है, टर्मिनेटिंग है, जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं उसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, अगर उस रैशनल नंबर को जो जिसका डेसिमल एक्सपांशन आपको टर्मिनेटिंग दिया गया है उसको अगर मैं p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो p और q को प्राइम होगा, सबसे पहला पॉइंट है, और जो डिनोमिनेटर q होगा वो कन्फर्म है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्मेट में होगा, जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब या तो जीरो या तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको थ्योरम में बोला गया है। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई अगर आप सोचो ना, 2 to the power m into 5 to the power n का मतलब क्या, उसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 10 का फैक्टर आ जाना, डिनोमिनेटर में क्या आ जाना, 10 का फैक्टर आ जाना। आपको मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूं। अगर मैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन लेता हूं 0.1234, तो अगर मैं इसको 1234, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है
ये तो रैशनल नंबर है क्योंकि आप देख के बोल सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा एग्जैक्टली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक दो तीन चार प्लेस डेसिमल है तो चार जीरो आएगा। तो अगर ये चार जीरो आ रहा है तो देखो ये दोनों आप क्लियरली सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो पी क्यू कॉक प्राइम हो जाएगा, है ना। और जो मुद्दे का बात है वो क्या है कि इस चीज को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू 100 मान लो 100 का स्क्वायर लिख सकता हूं, दैट इज 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर 4 बोले तो आपका क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, 10 को मैंने 5 इंटू 2 लिख दिया, तो एक्सप्रेस हो रहा है ना। अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू क्यू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा m और n इक्वल होगा, m और n इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, m और n इक्वल नहीं भी हो सकता। आप बोलोगे सर कैसे, सर m और n अगर इक्वल नहीं होता है तो कैसे काम चलेगा, कैसे वो टर्मिनेटिंग होगा सर, m और n अगर इक्वल नहीं होता तो कैसे टर्मिनेटिंग होगा, दिखाओ। देख लो 125 बाई अगर मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5, जहाँ पे यहाँ पे m और n इक्वल नहीं है, इसको मैं टर्मिनेटिंग बना के दिखाऊंगा, ये कन्फर्म है टर्मिनेटिंग होगा। देखो यहाँ पे एक 5 का कमी है ना, दोनों का पावर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 2 को गायब तो नहीं कर सकते, आप एक 5 को लेकर के आओगे, तो एक 5 को अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 125 आपका कितना हो जाएगा 500, और इधर 125, 625, और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर मतलब 100, तो क्या आ जाएगा 6.25, हो गया ना टर्मिनेटिंग। आप सोच के देखो जरूरी नहीं है कि m और n इक्वल हो, m और n अगर अनइक्वल होता है तो भी मैं इसको टर्मिनेटिंग बनाऊंगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो वो इस फॉर्मेट में जाएगा ही जाएगा, अगर इस फॉर्मेट में है तो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा, ये चीज समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर टर्मिनेटिंग अगर कोई भी रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में है तो उसको जब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में आएगा ही आएगा। अगर 5 टू द पावर n में n का वैल्यू 0 हो जाता है तो सिर्फ 2 वाला फॉर्मेट बचेगा, अगर m का वैल्यू 0 हो जाता है तो सिर्फ 5 टू द पावर n बचेगा, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको, 23 डिवाइडेड बाई मान लो मैं लिख देता हूँ 5 स्क्वायर, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। कैसे सर, मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर और ऊपर 2 स्क्वायर लगा दूंगा, मेरा मुद्दा ही है कि मैं यहाँ पे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n बनाऊं जहां पे m और n इक्वल है, तो ये 10 स्क्वायर हो गया, मतलब 10 का फैक्टर में डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दूं, तो 4 इंटू 23 हो जाएगा आपका 92, और ये 10 स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 0.92 बन जाएगा ना टर्मिनेटिंग। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है, वही चीज आपको बोला जा रहा है। अगर सिर्फ यहाँ पे 2 स्क्वायर होता तो आप 5 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता, क्लियर है क्या। मतलब आप ये समझ गए कि सर अगर कोई रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया है जहां पे q जो है जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अलावा और कुछ नहीं है तो कंफर्म है कि वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा, कंफर्म है। 2 टू द पावर या तो सिर्फ 2 का फैक्टर हो या तो सिर्फ 5 का फैक्टर हो, अगर सिर्फ 2 का होता है तो उतना ही 5 से मैं मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे टर्मिनेटिंग बना दूंगा, अभी दिखाया, अगर सिर्फ 5 का होता है तो उतना ही नंबर ऑफ 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको टर्मिनेटिंग बना दूंगा, अगर 2 और 5 दोनों होता है और दोनों का पावर इक्वल होता है तब तो ये डायरेक्टली 10 टू द पावर समथिंग में कन्वर्ट होकर के टर्मिनेटिंग बन ही जाएगा, और अगर 2 और 5 दोनों रहता है जहां पे दोनों का पावर अनइक्वल रहता है तब भी मैं इसको एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो अगर सिर्फ 2 और 5 ही है, दोनों में से कोई भी एक या तो दोनों के दोनों, पावर अनइक्वल हो इक्वल हो उससे मेरे को मतलब नहीं, अगर अनइक्वल है तब तो इक्वल बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दिया जाएगा, उसका तो टेंशन है ही नहीं। बट अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आता है तो वो टर्मिनेटिंग कभी हो नहीं पाएगा, ये कन्फर्म है। समझ में आ रहा है ना, इस फीलिंग को समझना है, बड़ा सिंपल चीज है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल चीज को सिंपल तरीके से समझा करो, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में किसी रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया है और उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई आ रहा है तो वो कभी टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता। अगर सिर्फ 2 और 5 या फिर ओनली 2 या फिर ओनली 5 वाला सिचुएशन है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू आपको मिला अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस।
तो नोट में क्या लिखा गया है देखो, रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म c by d, वेयर d इज ए पावर ऑफ 10। ऑब्वियसली d इज ए पावर ऑफ 10 होगा। इसी चीज को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, चार चार एग्जाम्पल मैंने दिया है, इन चार को आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये चारों के चारों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन जब देगा तो उसमें 2 और 5 दो ही प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व होगा। 7/8 को आप ध्यान से देख सकते हो कि 7 को 2 क्यूब लिख सकते हो। अभी अगर 2 क्यूब के साथ आप इसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको 5 क्यूब का जरूरत है, क्योंकि आपको 10 का पावर चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो 5 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर 7 × 125 करके जितना भी आता है, और नीचे हो जाएगा ये 10 क्यूब। तो अभी आप ये 3 डेसिमल प्लेस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। सिमिलरली सारे में नहीं कर रहा हूँ, आप नोट्स जब बनाओगे तब इसके बाद ये चारों के चारों आप सॉल्व करके लिख के रखोगे, फिर उससे पहले भी मैंने जितना भी एग्जांपल डिस्कस किया अब लिख के रखो अपने नीड के हिसाब से। बट मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आखिरी वाला कर रहा हूँ। 1 to 5 0 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्लियरली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो तो 2 × 5⁴ है। तो मैं बोलूंगा कि या तो सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है। ऐसा तीनों ही केस में ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही होगा। अगर या तो सिर्फ 2 है, या तो सिर्फ 5 है, या तो 2 और 5 दोनों है, जहां पे दोनों का पावर अनइक्वल है, इन तीनों ही केस में मैं एडजस्टमेंट करके इक्वल कर दूंगा, नीचे 10⁻ समथिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर 2 और 5 दोनों का पावर सेम है तब तो बल्ले बल्ले डायरेक्टली 10⁻ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, 2 कितना जरूरत है नीचे, 2 क्यूब का जरूरत है, तो 2 × 2³ 2⁴ × 5⁴ हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा, नीचे आ जाएगा 10⁴। 10⁴ मतलब क्या, 10,000। 10,000 मतलब 4 प्लेस डेसिमल आ जाएगा, दाएं तरफ से आप गिनते हुए 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली 4 प्लेस जा रहा है, डॉट 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 नहीं चल रहा है, मतलब क्या, टर्मिनेटिंग हो रहा है, लॉन्ग डिवीजन एंड हो रहा है। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो बस वही चीज है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो और किसी चीज का कोई दिक्कत है ही नहीं। थ्योरम 2 में क्या बोला गया है देखो, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दिया गया है जहां पे ये पूरा पूरा हो, या फिर सिर्फ 2 to n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, m का वैल्यू भी 0 हो सकता है, दोनों नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर सिर्फ इस फॉर्मेट में हो जहां पे mn और n का वैल्यू दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब mn 0 भी हो सकता है, क्लियर है, या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो कन्फर्म है वो रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा, उसका डेसिमल एक्सपांशन हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो सकता। ऑल्सो इट टर्मिनेट्स आफ्टर के प्लेसेस ऑफ डेसिमल वेयर के इज लार्जर ऑफ m एंड n। ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल रहा हूं कि यह टर्मिनेट करेगा कितना प्लेस, के प्लेसेस। यहां पे देखो m और n, ये m है ये n है, दोनों में से लार्जर कौन है, 4। तो एग्जैक्टली ये कितना प्लेसेस बाद टर्मिनेट कर रहा था, 4 प्लेसेस बाद। बात समझ आ रहा है ना, 4 प्लेसेस बाद डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो रहा था, लॉन्ग डिवीजन एंड हो रहा था। तो k प्लेसेस बाद टर्मिनेट करेगा जहां पे k इन दोनों का लार्जर 1 होगा। ऑब्वियसली समझ आता है, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी में ही तो कन्वर्ट करूंगा ना, जो छोटा वाला था उससे ही तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 2 क्यूब का जरूरत था क्योंकि मेरे को दोनों का पावर 4 करना था, तभी तो मैं 10⁴ में कन्वर्ट करूंगा। अगर मैं यहां से 5 चुरा लेता हूं तो ये 10 बन जाएगा, बट 5 क्यूब का मैं क्या करूंगा, 5 क्यूब को लेके मैं फंस जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं 2 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि डिनोमिनेटर कंप्लीटली 10⁻ समथिंग में चला जाए और डिनोमिनेटर में कोई जहर ना बचे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर m और n का बात चल रहा है तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट अगर हो रहा है तो टर्मिनेट उतना प्लेस तक ही होगा
जो m और n का लार्जेस्ट नंबर है, m और n में से जो बड़ा है उतना ही तक जाना है। उसका लॉजिक आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से कि 2 क्यूब से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों को आप पावर 4 में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि ये 10^4 बन जाए। बहुत बच्चे मेरे को यहाँ पे पूछते हैं कि 1 में क्यों कन्वर्ट नहीं किए दोनों को, यानी कि 5^1 × 5³ भी तो लिख सकते थे, बट लिखने के बाद 5³ को क्या करूंगा, एक 10 तो बन जाएगा, 10^1 तो बन जाएगा, बट 5³ को क्या करूंगा, उसको तो कुछ करने का जगह ही नहीं बचेगा। समझ आ रहा है ना, वो डिनोमिनेटर में रहेगा और वो चीज कभी टर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। क्लियर है क्या? तो इसीलिए लास्ट में क्या लिखा गया है, देखो थ्योरम नंबर 3 में, लेट x इक्वल टू p बाय q बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q का प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2^n × 5^n। मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं है, या तो इसके साथ कुछ और मिक्सचर होकर के आ गया या फिर कुछ और ही आ गया। मान लो 3^n × 7^n अगर आ गया तो भी नहीं होगा, 3^n × 5^m अगर आ गया तो भी नहीं होगा, 2^m × 5^n अगर एक 3^p भी आ जाता है साथ में तो भी नहीं होगा। सिर्फ यही होना पड़ेगा, इसके अलावा इसके साथ भी अगर और कुछ आया या फिर इसके अलावा भी कुछ और आया तो किसी भी केस में नहीं हो सकता है। टर्मिनेटिंग सिर्फ तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा, और सिर्फ यही रहेगा। उसका मतलब ही है कि या तो ये दोनों आएगा या तो दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि m अगर 0 हो जाता है तो सिर्फ ये आएगा, अगर n 0 हो जाता है तो सिर्फ ये आएगा, बट 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है भाई। अगर अलावा उसके अलावा कुछ भी आया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, कहानी किस तरफ चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल की तरफ चला जाएगा। Where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. That is non-terminating repeating को हम recurring decimal भी बोलते हैं। Clear है? तो पूरा conclusion मेरे हिसाब से आपको clear है, इतना चीज discuss करना sufficient है मेरे हिसाब से। Clear है क्या? ठीक है, अगर कोई rational number है तो वो rational number p by q form में हमेशा रहता है। कंक्लूशन बता रहा हूँ सुनना, अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर हमेशा p by q फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होगा और q नॉन जीरो इंटीजर होगा। ठीक है, तो या तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, अगर p by q का जो q होगा डिनोमिनेटर वो अगर 2^m × 5^n फॉर्मेट में है, मतलब अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों 2 और 5 अगर आ जाता है, सिर्फ इतना ही अगर आता है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसके अलावा और कुछ भी आ जाता है, 2 और 5 के साथ अगर और कुछ आ गया या फिर 2 और 5 के अलावा और कुछ आ गया, तब कंफर्म है कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, दैट इज रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पे तो इरेशनल नंबर्स का बातचीत हो ही नहीं रहा है। क्लियर है ना, बस इतना सा चीज है। ठीक है, और अगर आपको डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग दिया गया है तो उसको आप कंफर्म p by q फॉर्म, इसका कन्वर्स बोल रहा हूं अभी, अगर डेसिमल एक्सपांशन आपको टर्मिनेटिंग दिया गया है तो कन्वर्ट इसको आप p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पे q जो होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2^m × 5^n आएगा। ठीक है, और अगर आपका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग का तो सवाल ही नहीं आता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन में जो क्यू होगा पी बाई क्यू में, जो जब उसको पी बाई क्यू फॉर्म में डेसिमल से जब पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो क्यू होगा उसमें सिर्फ 2^m × 5^n नहीं मिलेगा, उसके साथ और कुछ मिलेगा या फिर उसके अलावा और कुछ मिलेगा। क्लियर है, यही आपका कंक्लूशन है। ठीक है, तो यही आपका आखिरी पार्ट है इस पूरा चैप्टर का। तो इसी के साथ मिक्सचर होकर के और कुछ क्वेश्चंस आता है ना, तो मैं डायरेक्टली आपका बुक लेके ही क्वेश्चन करा दूंगा अभी, है ना। मैं और इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली छोटे मोटे आंसर से उनका, तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप एक्सरसाइज 1.4 खोल सकते हो, अकॉर्डिंगली आप उस जगह से क्वेश्चन अपना नोट्स में मेंटेन करके लिख दीजिएगा, है ना, और मैं डिस्कस कर रहा हूँ 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बोला क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन बिना किए आपको ये स्टेट करना है वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशंस और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 129/2^5^7 × 7^5। तो अभी मैंने क्या बोला कि अगर p by q फॉर्म दिया गया है और वो अगर टर्मिनेट करता है तो q जो होगा उसमें सिर्फ 2 या 5
या फिर दोनों होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो उसके अलावा आ गया ना 7, तो क्या ये टर्मिनेटिंग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी यहाँ पे कुछ कर दो, मान लो 2 और 7 में छोटा कौन है, 2 है, तो 2 to the power 5 का ज़रूरत है। अगर आप 2 to the power 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर भी देते हो तो 2 और 5 मिल करके यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 7 और ऊपर 2 to the power 5 आ जाएगा। तो ये सब कुछ तो ओके है, अगर सिर्फ इतना होता तब तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, बट इसको आप क्या करोगे, ये तो गड़बड़ कर देगा ना कहानी। समझ आ रहा होगा आपको अकॉर्डिंगली, क्लियर है? तो इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस दिया गया आप आराम से कर सकते हो, सिमिलर जो मैंने कराया है ना। अगर डिनोमिनेटर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, आप बस पहले एक चीज करना यार दोस्त, ठीक है ना, पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको जरूर, कि पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको क्यों, ध्यान से सुनना, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैं एक चीज एक नंबर बना करके आपको देता हूं, मान लीजिए 149 by 140, ठीक है। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, डायरेक्टली आप 140 को चेक करोगे कि सर 140 कितना होता है, 14 × 10 होता है। 14 × 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 7, और इसको लिख सकता हूँ 2 into 5, तो ये हो गया 2 square into 5 into 7। मतलब डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपांशन में 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे आप कमेंट करके आ जाओगे बट आपका कमेंट गलत हो जाएगा। क्यों जानते हो क्या, कि अगर मैं न्यूमरेटर को ब्रेक करूं तो न्यूमरेटर में भी एक 7 आएगा और वो 7 नीचे वाले 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो 7 नीचे वाले 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो ये क्या बच गया, 7 by 2 square into 5 बच गया, तो ये तो टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? एक 5 से अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 35 divided by 10 square हो जाएगा, दैट इज 0.35 हो जाएगा। तो हकीकत में तो ये टर्मिनेटिंग था, तो इसीलिए अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तो इस तरीके का मिस्टेक हो जाएगा आपसे। बात समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको आप सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, ऐसा फॉर्म जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होता है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद उसका डिनोमिनेटर को आप क्या करना, प्राइम फैक्टराइज करके देखना कि कौन फैक्टर आ रहा है, कौन सा फैक्टर आ रहा है। अगर सिर्फ 2 और 5 या 2 या 5 आ रहा है तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो वो करंटेड है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, प्रोवाइडेड आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए हो, ठीक है। बस तो ये मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसानी से कर लोगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो जरूर अपन ऑफलाइन या फिर जूम में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 तो कर ही लोगे आप, डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो ये तो आप जिनका डेसिमल एक्सपांशन निकालने को बोला है तो वो आप निकाल ही सकते हो, 10 to the power 4 से निकाल के, ऐसे आप ऐसे जिनका टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपांशन निकालने बोला है तो वो तो आप नीचे 10 to the power something में कन्वर्ट करके उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करोगे, फिर उसमें अगर टर्मिनेटिंग है तो उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, फिर जितना कम है अगर दोनों इक्वल है तो डायरेक्टली 10 power में चला जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 और 5 में पावर अगर इक्वल नहीं है तो जितना कम है उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करके डिनोमिनेटर को 10 to the power something बनाओगे, फिर आप जितना 0 आ रहा है उतना प्लेस राइट साइड से गिन करके डेसिमल लगा दोगे तो एग्जैक्टली वो नंबर, वो रैशनल नंबर उतना प्लेस बाय टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आगे आता है हमारा नंबर 3 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो। बोला जा रहा है फॉलोइंग द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स डेसिमल एक्सपांशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सबसे पहले तो आपको ये बताना है रैशनल है या नहीं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो 43.12345678 9, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 0.12001200 1200 1200 0000, ऐसे चल रहा है। और तीसरा वाला दे रखा है 43.12345678 9 bar, मतलब ये रेकरिंग चीज़ें चल रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो सर, सेकेंड वाला तो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो इरेशनल है। अगर ये इरेशनल है तो इसका तो P/Q फॉर्म में आने का कोई सवाल आता ही नहीं, तो Q का कोई बात यहाँ पे आएगा ही नहीं। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है?
तो अगर मैं थर्ड वाले पहले वाले का बात करूं, तो पहले वाले में आप देख सकते हो कि ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर 9 प्लेस, ये टर्मिनेट हो रहा है, तो अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो इसको जब भी मैं पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 10^9 तो आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 10^5 आ रहा है तो या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 एंड 5 बोथ आएगा। ऐसे ही तो होगा ना, मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 और 5 दोनों आएगा। अभी बच्चे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर दोनों कैसे, 2 और 5 तो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है 2^9। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये तो 2^9 × 5^9 ही है ना, यहाँ पे तो दोनों ही आ रहा है मेरे हिसाब से। बट आप बोल रहे हो दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। हाँ आ सकता है ना, मान लो न्यूमरेटर में जब आप इसको, न्यूमरेटर को जब आप फैक्टराइज करोगे तो न्यूमरेटर में अगर 5 का कोई 5^9 का कोई फैक्टर आ गया तब तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, 5^9 5^9 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2^9 बचेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो, या जब इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा जहां पे पी और क्यू का HCF 1 होगा, को प्राइम नंबर्स होगा, तब क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 2 और 5 दोनों रहेगा। ठीक है ना, ये आपका फाइनल कंक्लूशन होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड वाले पे तो आप देख रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो कन्फर्म है कि इसका जब आप डेसिमल एक्सपांशन से पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये जो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 5 के अलावा कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर होगा। यही आपको कमेंट करना है कि देयर मस्ट बी अनदर फैक्टर अदर देन, देयर मस्ट बी ए फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये प्राइम डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और आप जानते हो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसका, उसको जब मैं पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन जब, अरे यार, उसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ जाएगा। और अगर वो टर्मिनेट कर रहा है तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, या तो 2 या तो 5, या तो 2 एंड 5 बोथ। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद आपका पूरा पूरा एंटायर चीज क्लियर है। रियल नंबर्स पूरा टॉपिक आपका क्लास 10th का कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ साथ पूरा आप समझ गए होंगे टॉपिक। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के बाद आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा 1.3 एंड 1.4 कंप्लीट विथ एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी रहेगा और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा आपका होमवर्क रहेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो रियल नंबर पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो दोस्त, इसके बाद मैं एक और लेक्चर लेके आऊँगा रियल नंबर में, जो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि जो हमारे स्टडी मटेरियल के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है जो टाइम में कवर होता है अकॉर्डिंगली, वो सारे अच्छे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं होगा डिस्कस करना क्योंकि मल्टीपल एक्सरसाइजेस होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते, उतना तो नहीं कर पाऊंगा, बट आपके सॉलिड कंसेप्चुअल लेवल को बिल्ड करने के लिए और थोड़ा एग्जाम का इम्पोर्टेंस देखते हुए जो मेरे को लगेगा कराना इम्पोर्टेंट है वो मैं करा दूंगा सारे के सारे, एक और लेक्चर लेकर के आके। उसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, HCF के एप्लीकेशन, LCM के एप्लीकेशन, फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक, प्रूविंग इरेशनलिटी, डेसिमल एक्सपांशन, सारे टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे मैं डिस्कस करा दूंगा अकॉर्डिंगली। और अगर उससे ज़्यादा आप अगर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हो तो आपको तो ऑब्वियसली आपका स्टडी मटेरियल मिल ही रहा होगा और आप रेगुलरली उसको कर भी रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम योर क्लास नोट्स, जो लेक्चर है लेक्चर नोट्स एंड NCERT टेक्स्ट बुक, उसके अलावा तो आप बाहर का चीज़ जो स्टडी मटेरियल है वो तो करते ही होंगे। और अगर आप मेरे को ऐसा कोई देख रहे हो जो मेरे साथ जुड़े नहीं हो तो ज़रूर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रॉपरली अपना नोट्स बनाइएगा, मेंटेन कीजिएगा, चीज़ों को रिवीजन कीजिएगा प्रॉपरली, और होमवर्क करके ही जूम सेशन या ऑफलाइन सेशन को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो उसमें मैं आपके सारे डाउट्स जो भी एंटायर रिगार्डिंग लेक्चर का होगा सारे डाउट्स लूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, देन होमवर्क डिस्कस करूंगा, देन आपका शीट डिस्कस होगा। क्लियर है? तो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, उसका एक और लेक्चर आएगा रिमेनिंग एक्स्ट्रा मटेरियल का प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, बट ऑफिशियली चैप्टर जो है वहीं पे समाप्त होता है। क्लियर है? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा, प्रॉपरली पढ़ते रहिएगा।